दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। बात करेंगे ट्विटर और सरकार से जुड़ी हुई। ट्विटर ने भारत सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। जी हाँ, ये ट्विटर वाले अब मोदी सरकार से नाराज चल रहे हैं और अपनी भड़ास भी निकालने लगे हैं। ट्विटर ने कोर्ट को बताया कि सरकार किसी खास ट्वीट्स के बारे में जानकारी देने के बजाय सीधे अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दे रही है। जी हाँ, यह सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा है, जो दिखाता है कि सरकार ने अपना शिकंजा सोशल मीडिया यानी आपकी आवाज़ पर लगाम लगाना शुरू कर रखा है। यह बात किसी से नहीं छुपी है कि आज के समय में सोशल मीडिया ने कई चीज़ों को एक्सपोज किया है। फिर चाहे न्याय की मांग हो, घोटाले हों, सरकार के नुमाइंदों से जुड़ी हुई समस्या हो, सरकारी काम में झोल झाल हो या कुछ और, सब आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच पहुँच ही जाता है। यह उस दौर में हो रहा है जब वास्तविक मीडिया सरकार की चापलूसी में लगी है। बता दें कि पिछले साल नए IT नियमों के लागू होने के बाद से ट्विटर और भारत सरकार के बीच तकरार जारी है। हाल में ट्विटर ने भारत सरकार के कुछ आदेशों के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था। ये आदेश कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने और कुछ कंटेंट को हटाने को लेकर थे। अब पता चला है कि भारत सरकार ने फरवरी 2021 से 2022 के बीच अकाउंट्स ब्लॉक करने के 10 आदेश दिए थे। इनमें 1474 अकाउंट और 175 ट्वीट्स को हटाने को कहा गया था। यह आदेश सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 69A के तहत जारी किए गए थे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर ने हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की उनमें ऐसे 39 लिंक अकाउंट को ब्लॉक करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई। ट्विटर ने कोर्ट को बताया कि सरकार किसी खास ट्वीट्स के बारे में जानकारी देने के बजाय सीधे अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दे रही है। कंपनी ने कहा ऐसे आदेश लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई लिंक में राजनीतिक पत्रकारीय कंटेंट होते हैं। ऐसी सूचनाओं को ब्लॉक करने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन है, जो ट्विटर और अपने यूजर्स को उपलब्ध कराता है। देखा और समझा आपने, ट्विटर महाराज भी कह रहे हैं कि सरकार ऐसे हस्तक्षेप बढ़ा रही है जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट की जा रही है। आगे ट्विटर ने यह भी कहा कि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कई बार ब्लॉक करने के आदेशों में सही कारण नहीं बताती है, जबकि धारा 69A के तहत यह जरूरी है कि इस बात को क्लियर साफ तौर पर बताया जाए कि सरकार उस कंटेंट से क्या दिक्कत में पड़ रही है और उसको दिक्कत क्या है और क्यों ट्विटर उस अकाउंट्स या उस कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाए। लेकिन ट्विटर ने सीधा आरोप सरकार पर लगाया है। साथ ही ट्विटर वालों ने यह भी कहा है कि अकाउंट ब्लॉक करने के कुछ आदेश असंवैधानिक हैं। जी हाँ, ट्विटर ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार के कुछ आदेश हैं जो संविधान का पूरा उल्लंघन करते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट करते हैं। लेकिन सरकार अपने आरोपों से मुक्ति के लिए क्या कहती है, एक बार समझें। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से यह साफ तौर पर जाहिर होता है। यह रिपोर्ट्स बताती है कि जिन अकाउंट्स और ट्वीट्स को सरकार ने हटाने का आदेश दिया है उन सभी के बारे में ट्विटर ने विस्तार से सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को जानकारी दी है, क्योंकि धारा 69A के तहत आदेशों को गोपनीय रखा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि सब गोलमाल है। एक बार समझते हैं कि धारा 69 क्या है जो IT सेल से जुड़ी हुई है। दोस्तों, IT एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत केंद्र सरकार के पास किसी अकाउंट या पोस्ट को ब्लॉक करने या उनको हटाने के लिए आदेश देने का अधिकार होता है। सरकार भारत की अखंडता और प्रभुता, भारत की रक्षा सुरक्षा, दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ताना संबंधों या किसी अपराध के बाद कानून व्यवस्था को बनाए रखने में इन सभी और इन IT सेक्टर इन IT धारा का इस्तेमाल करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह आदेश दे सकती है सरकार कि किन नियमों के तहत ब्लॉक करने के आदेशों एक रिव्यू कमेटी के पास भेजा जाता है और इसके बाद अंतिम दिशा निर्देश जारी होते हैं। यानी कि इस धारा के तहत भारत सरकार उस कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है, उस कंटेंट को हटवा सकती है, लेकिन उसका कारण बताना होगा। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक ट्विटर के हाईकोर्ट पहुंचने के बाद सरकार ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि 5 जुलाई को ट्विटर पर लिखा गया था कि सभी प्लेटफॉर्म को कोर्ट जाने का अधिकार है, लेकिन कानून का पालन करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, इन खबरों से पता चलता है कि ट्विटर और सरकार के बीच तनातनी का माहौल है। किसी बात को लेकर टेंशन जरूर है। यह हो सकता है एक दूसरे पर अपना अपना दबाव बनाना चाहते हों या मार्केट को लेकर समस्या हो, लेकिन जो भी हो वो आपके सामने है। यह नाराज़गी जरूर है। उम्मीद करते हैं यह खबर आपको पसंद आई होगी। सोशल मीडिया पर क्या कंटेंट को लेकर रोक लगनी चाहिए या फिर इस पर सरकार का वर्चस्व कायम रहना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। क्या आपको लगता है सरकार का सोशल मीडिया पर आरोप लगाना कि अपने अपने कंटेंट को ब्लॉक किया जाए और कुछ ऐसा अनाधिकृत कंटेंट है
जिसको बंद किया जाए। क्या आपकी वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट है या नहीं, यह भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और ताज़ा अपडेट्स और खबरों के लिए देखते रहें द दस्तक 24। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। खबरों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।